हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर हम 17 एंड 18 को हम सोल्व करेंगे। सो देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स 1, 1, 2, 2 एंड 5, 5 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन दिखाई दे रहा है फिगर में, तो आपको इनको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको हम इनका नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा पी पॉइंट है 1, 1। नेक्स्ट हम क्यू ले लेते हैं, ये हमारा कितना है 2, 2। और हमारा नेक्स्ट ले लेते हैं आर, कितना है 5 एंड 5। तो इन्हें हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 एंड वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस वन, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी यहाँ पे क्या शो कर रहा है 1 एंड 1, यानी कि हमारा पी पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे पी लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यू दिया है 2 एंड 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएगी 2। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये क्या शो करेगा आपका, ये हमारा क्या पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 एंड 2। सिमिलर वे से नेक्स्ट हमें आर प्लॉट करना है, वैल्यू क्या है 5 एंड 5। तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे है, सिमिलर वे से वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, सिमिलर वे से ये यहाँ पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा दिस वन, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा आर, जिसकी वैल्यू है 5 एंड 5, ठीक है। जस्ट आपको प्लॉट करने के लिए ही कहा गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपसे, उसमें ये भी पूछा गया था कि क्या ये पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो ये इनको अगर हम ज्वाइन करना चाहें, तो ये ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, देखिए इस तरीके से हो रहे हैं ना ज्वाइन, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, वो सेम ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यस दे लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे ही क्या करते हैं, ये लाई करते हैं, ठीक है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया है, प्लॉट द पॉइंट्स 3, 3, 2, 5 एंड 5, 2 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड जॉइन दीज पॉइंट्स, व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन। मतलब कि पहले तो हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है एंड देन आपको बताना है कि इनको ज्वाइन करने के बाद कौन सी फिगर बनती है। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट दिए गए हैं आपको, यहाँ पे नेम दे देते हैं, पी हो जाएगा, ये क्यू एंड ये आर हो जाएगा। 3 एंड 3, यानी एक्स की वैल्यू भी 3 और वाई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 3 है। एक्स की वैल्यू 3 यानी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी 3 है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव। तो कहाँ पे लाई करेंगे, ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये लाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे पी पॉइंट है, क्या वैल्यू है इसकी 3 एंड 3। सिमिलर वे से क्यू पॉइंट है 2 एंड 5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो कहाँ पे लाई करेंगे, ये इस पॉइंट पे लाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ले लेते हैं वैल्यू क्यू है, क्या है 2 एंड 5। सिमिलर वे से देखिए 5 एंड 2, आर हमारा क्या है 5 एंड 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी, है यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको आपस में ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी आर, जिसकी वैल्यूज हैं ऑर्डिनेट एंड इसके ऑर्डिनेट एंड अपसीसा क्या है, ये 5 एंड 2, यानी 5 क्या है हमारा अपसीसा एंड 2 हमारा क्या है ऑर्डिनेट। तो आपसे कहा गया था इनको ज्वाइन करेंगे आपस में, तो अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम इनको आपस में सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ये सारी आपस में क्या हो रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं। तो देखिए कौन सी फिगर शो कर रही है आपको, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है आपको, ये हमें क्या दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल शो कर रही है। तो क्या करेंगे कि जो हमारी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस फिगर वी गेट अ, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, अ ट्रायंगल, क्या मिले हमें, एक ट्रायंगल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करना शुरू करेंगे।